सत श्रीकाल जी, मैं केशव थोड़ा सारे स्वागत करना साढ़े इस यूट्यूब चैनल पर। जिदा कि सू सारे बेसब्री ना इंतजार सेगा पंजाब पुलिस भर्ती 2021 का, जो कि कलू रात में पंजाब पुलिस इंडिया के ऑफिशियल हैंडल्स से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि साढ़े पंजाब के सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से इन्होंने ये जानकारी जी शेयर की सारे नाल, जिदे अकॉर्डिंग 4362 पुलिस कॉन्सटेबलों की जी भर्ती है वो जुलाई में की जाएगी। जानी कि 15 जुलाई तो इन्होंने कहा भी मिड ऑफ जुलाई लिखा इन्होंने, वो अकॉर्डिंग 15 जुलाई तो जोड़े फॉर्म जोड़े है वो ओपन हो जाएंगे सारे वास्ते, तो एग्जाम डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दी है जो 25-26 तरीक जी है सितंबर महीने की, वो एग्जाम करवाए जाएंगे। जे कोई कोरोना की वेव नहीं आई या कोई होर जी है कोई कारण ना लग्या तो एग्जाम जोड़ा 25-26 हो ही जाएगा। तो ये जी है डिस्ट्रिक्ट कैडर तो आर्म कैडर जी है उन्होंने वास्ते 4362 पोस्टा से भर्ती की जाएगी। ये बिल्कुल जी है 100% ट्रू इनफॉर्मेशन है, तो जोड़ा है लिंक मैं प्रोवाइड करवा देंगे थोड़ा इनफॉर्मेशन का। पहले कह रहे थे कि 10,000 पोस्टा निकलन गए, बट हूँ ये जी वैकेंसी पिछले साल तो भी घट ने, पिछली बार जी डिस्ट्रिक्ट कैडर तो आर्म कैडर मिला के 7,000+ वैकेंसी सी, बट इस बार सिर्फ 4362 ने, तो तुम आप ही हिसाब लगा सकते हो कि कॉम्पीटिशन किन्ना टफ होने वाला है। ये 4362 विचों ला लो भी 1400 समथिंग जी है वो 33% जिदा इन्होंने राखवियां की ने कुड़ियों वास्ते सीटा, वो 14-15 सीटा उ निकल जानिया ने, तो बाकी जेडे पिछे मुंडे वास्ते सिर्फ तुम्हें पता ही है भी 2800-2900 पोस्टा ही बचतियां ने, जिदे विचों भी SC BC जनरल सॉरी EWS इन्ह सारियां नूं एक्स सर्विसमैन इन्ह सारियां दा कोटा कढ़ दिए, तो जनरल वास्ते जिहड़ा कितनी अपनी 7-800 वैकेंसी बचनिया ने, तो अपना टाइम नाल सारे आने तैयारी शुरू कर दो। तो जिहड़ा आपां इन्हां ने नोटिफिकेशन जिहड़ा शेयर किया है मैं उहदे थोड़ा उहदियां जिहड़ियां कुछ इंपोर्टेंट गल्लां तुहाडे नाल शेयर करदा। ये जिदा तुसीं देख पा रहे हो नोटिफिकेशन जिहड़े पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 कॉन्सटेबल्स, यह पंजाब पुलिस इंडिया के ऑफिशियल हैंडल्स ने जो टैलीग्राम चैनल उत्ते प्रोवाइड करवाई हुई है, जे किसी ने लिंक चाहिए तो मैं तुम्हें शेयर करवा देंगा। ये डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर वास्ते है, ये इन्होंने सब तो पहली गल यही लिखी है भी जोड़ा PST तो पहला जो हरेक कैंडीडेट न अपना रिटन टैसट क्वालीफाई करना पेगा, तो भी सारे कैंडीडेट आराम सफिशियंट टाइम हो तैयारी करने वास्ते, इसलिए उन्होंने 1 महीना पहला ही यह ओवरव्यू नोटिफिकेशन तो दिता है कि किस तरह का पेपर होएगा की सिलेबस आएगा ताकि बंदे सही तरह तैयारी कर सकन अपनी। तो जो डेट ऑफ वो रिटन टेक्सट रिटन एग्जामीनेशन है OMR बेस्ड होएगा, ये 25-26 सितंबर में लिया जाएगा, तो MCQ टाइप पेपर होएगा जिसे 100 नंबर का पेपर होएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होएगा, तो नैगेटिव मार्किंग भी है 0.25 तक तुक्के लाने वाला सिस्टम ये चलना नहीं है। इंपोर्टेंट नोट पा के इन्होंने लिखा है भी जेडे कैंडिडेट कट ऑफ नू क्वालीफाई करेंगे उही PST वास्ते जा सकेंगे अगे। एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया दे विच एज दसी है इन्होंने भी 18 तो 28 साल जी नॉर्मल एज है, बाकी SC ST वास्ते 5 साल रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस वास्ते 3 साल की है, तो बाकी तुसी ये चैक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जेड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है +2 है, तो एक्स सर्विस वास्ते जेड़ा 10th मिनीम 10th उन्होंने की होनी चाहिए है। तो एक चीज़ वधिया है कि ये अदर स्टेट वाले नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि जो 10th है इन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम है वो पंजाबी जो एक सब्जेक्ट है वो पंजाबी उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए, लैंग्वेज जी है वो होनी चाहिए है, तो अपने वास्ते फायदा पंजाब वाले वास्ते। तो जोड़ा इन्होंने अपने सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह किया है कि जनरल अवेयरनैस है वो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोग्राफी जिहड़ा है कल्चर इकोनॉमी ऑफ पंजाब करंट अफेयरस कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैथ है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल स्किल्स, फिर रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग स्किल्स, फिर लैंग्वेज स्किल्स हैं इंग्लिश आएगी, फिर पंजाबी आएगी, डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इन्होंने सिलेबस थोड़ा जहा काफ़ी वास्ट दे दिता है, तो अपन तैयारी जी है वो काफ़ी हार्डवर्क करना पैना ये वास्ते ता ही पेपर निकलेगा। PST जी है वो वास्ते थोड़ा पता ही है पिछले बार की तरह ही 6 मिनट 30 सेकेंड की रेस होएगी 1600 मीटर की, लोंग जंप होएगा हाई जंप होएगा, तो कुड़िया वास्ते भी उन्होंने दिता है भी 800 मीटर की रेस, तो 4 मिनट 30 सेकेंड क्लीयर करनी है, फिर लोंग जंप 3 मीटर के हाई जंप है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जेडे एक्स सर्विसमैन वास्ते वो डिस्ट्रीब्यूशन दिती हुई है, ये इस जी नोटिफिकेशन इन्होंने शेयर किया है,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਵੈਕੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ, ਕੈਸੇ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਾਂ EWS ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕੇਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ GK ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ GK ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ GK ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।